मैं जरा मैं देख रहा हूँ आप काम काफी अच्छे से लेके से कर रही हैं, चीजें बहुत जल्दी पिक कर लेंगे। जी सर, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको शिकायत का मौका ना दूं और आपका बर्डन भी कम हो सके। That's good. ऑफिस में कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, आप एक काम कीजिए, बाहर जाइएगा तो मैंने सर काम कर सकता। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। जी जनाब, कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए, आपकी थकन उतर गई? थकन तो उतर गई यश, लेकिन सहन से बोझ नहीं उतरा। कैसा बोझ? तुम जानते हो कल जिस वजह से फंक्शन हुआ उस वजह का कोई वजूद ही नहीं। तुम परेशान क्यों हो रही हो? वक्त आने पर सब कुछ ठीक हो जाए। कौन सा वक्त? वक्त तो पहले ही मुट्ठी में भरी रेत की तरह सरकता जा रहा है यश। देखो जरा, तुम तरह की बातें करके मुझे टेंशन में। तुम जानती हो कि अम्मी से कई दफा मैंने इस सिलसिले में बात करने की कोशिश की है, लेकिन लेकिन जरा सोचो, जब अम्मी को पता चलेगा कि हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं होने वाली तो क्या होगा? चलो फिलहाल तो रिलैक्स करो, घर आता हूँ तो इस बारे में बात। ठीक है, खैरियत से वापस आओ। मुझे इत्मीनान नहीं होगा। नूरी, नूरी अम्मी, मैं सच में मैं सही कह रही हूँ, मैं ठीक हूँ। सब्र करो, जाओ ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, इसे डॉक्टर के यहाँ लेके जाना। उठो उठो, शाबाश जी, शाबाश, उठो, दिखा देते इत्मीनान हो जाएगा ना। She's all right. फिक्र की कोई बात नहीं है। जी जी डॉक्टर साहब, मुझे पता है कि मेरी बहू बिल्कुल ठीक है, बस वो मुझे अपने होने वाले पोते की फिक्र थी। होने वाला पोता? क्या मतलब? वो दरअसल मेरी बहू उम्मीद से है ना, तो मैंने सोचा कि गिर पड़ी है, कहीं होने वाले बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए फौरन आपके पास ले आई। प्रेग्नेंट? मुझे तो कोई ऐसा सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे। क्या मतलब? अच्छा ठीक है, मैं प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लेती हूँ, आप शाम में रिपोर्ट को लेकर आ लीजिएगा। जी ठीक है, मैं अपने ड्राइवर को भेज दूंगी, वो रिपोर्ट्स कलेक्ट कर लेगा। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत थक गई हूँ। कैसे हो? कैसा होऊंगा? वैसा ही जैसे छोड़ के गई थी। परी,
कभी तो मुस्कुरा के बात कर लिया करो। मुस्कुरा कर बात करने के लिए मुस्कुराने की कोई वजह होनी चाहिए, और मेरे पास तो कोई वजह नहीं है मुस्कुराने की। मैं एक वजह काफी नहीं हूं क्या? मुझे देखकर मुस्कुरा लिया करो। तुम कहां होती हो यहां पर? तुम तो कहीं और होती हो तो मैं देखकर कैसे मुस्कुराऊं? कहीं और क्या मतलब? मैं जॉब पर होती हूँ। हाँ तो मेरे लिए तो नहीं करी ना, अपने लिए जाती हो जॉब पर, और अच्छा है ना। तुम सोचती होगी पूरे दिन क्या इस माजूर की शक्ल देखी। अच्छा, तुम्हारी और मेरी मजबूरी में बहुत फर्क है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, तुम्हारी और मेरी मजबूरी में बहुत फर्क है। तुम तो बाहर जाकर अपनी मजबूरी दूर कर लेती हो, चार हंसते खेलते बातें करते चलते फिरते लोगों के साथ वक्त गुजार लेती, लेकिन मैं यहाँ पर 24 घंटे दिन रात सुबह शाम चार दीवारी में अकेला बैठा रहता हूँ, एक ग्लास उठकर पानी नहीं पी सकता खुद। ये मेरी मजबूरी है। मजबूरियों और परेशानियों को अपने ऊपर हावी कर लेने से वो कम नहीं हो जाती, इनका कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने अपनी परेशानियों का हल निकाल लिया। ऐसा क्यों कहते हो तुम फरीद? तुम जानते हो ये जॉब मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, ताकि तुम्हारा इलाज करवा सकूं। ओ हाँ मैं भूल गया था, ये भी तो तुम्हारा मुझ पर इतना बड़ा एहसान है, बहुत शुक्रिया। एहसान कैसा? प्यार में एहसान नहीं किया जाता, एहसास किया जाता है एक दूसरे का। तुम अपनी हिम्मत क्यों नहीं बढ़ाते हो जब मैं तुम्हारे साथ हूँ? तुम साथ हो। अपने कमरे में होंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होने वाला। आ जाए। बेगम साहब आप दोनों को बुला रही हूँ। आओ आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तुम्हारी ये बीवी माशाल्लाह खैर से छोटे घर और छोटे जहन की औरत, लेकिन तुमने भी अपनी माँ को धोखा दिया। सॉरी मामा, मगर हमने आपको कभी भी धोखा देने की कोशिश नहीं की। तो फिर ये सब क्या है? क्यों झूठ बोला मुझसे? क्यों धोखा दिया मुझे? तुम क्या समझते थे कि मुझे पता नहीं चलेगा? नहीं अम्मी, हम आपसे झूठ नहीं बोलना चाहते थे, इनफैक्ट हम तो आपको सच बताना चाहते थे, लेकिन लेकिन क्या बोलो। मैंने जब भी आपको बताने की कोशिश की मुझे मौका नहीं मिला। ठीक है, अब जो कुछ मैं करूंगी ना वो तुम दोनों देखो। अब ये तो पता चल गया है ना कि ये लड़की हमारे घर के आंगन में कोई फूल नहीं खिला सकती, लेकिन इस शहर में बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो हमारे घर के बाग में फूल भी खिलाएंगी और इस घर को वारिस भी देंगी। तुम मुझे साफ साफ बताओ शर, तुम अपनी मां की ख्वाहिश पूरी करोगे या नहीं? हम इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो आप चाह रही हैं वो नहीं हो सकता, पहले भी आपको ये बता चुका। पहले की बात और थी, अब तो तुम भी अच्छी तरह जान चुके हो कि तुम्हारी बीवी हमें वारिस नहीं दे सकी, हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती, लिहाजा अब जैसा मैं कहूंगी वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। हम आप जानती हैं कि मैं जोया से प्यार करता हूँ, इसे शादी मैंने इसलिए नहीं की थी कि अगर ये मुझे औलाद का सपना दे सके तो मैं अपनी जिंदगी से अलग कर। तुमने हमेशा अपनी मर्जी चलाई है, शादी अगर हमारी मर्जी से करते तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। मगर आपके फैसले के बाद भी ये सब कुछ होता तो फिर क्या कहती? क्या करती? देखो
ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, समझ गए? जैसा मैं कह रही हूं वैसा करना पड़ेगा, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। हमाम, बस जो कुछ कहना था कह दिया, जाओ यहां से। मजाक बना लिया है। हीरा, क्या बात है बेटा, कुछ दिनों से तुम बहुत चुप चुप रहने लगी हो। अम्मी, फरीद को पता नहीं क्या होता जा रहा है, अजीब सा चिड़चिड़ा सा हो गया है। मुझे लग रहा है जैसे उसे मेरा जॉब करना अच्छा नहीं लग रहा। बेटा, तुम जॉब नहीं करोगी तो घर का खर्चा कैसे पूरा होगा? अल्लाह अल्लाह करके तो घर के हालात काबू में आए। मैं जॉब कहाँ छोड़ रही हूँ अम्मी, मैं तो फरीद की बात कर रही हूँ, उसके रवैये की बात कर रही हूँ। पता नहीं क्या सोच रहा है वो। अगर मेरी सिलाई कढ़ाई करने से घर के हालात बेहतर हो सकते तो मैं तुम्हें कभी काम पे ना जाने देती बेटा, लेकिन क्या करूं, मेरी सिलाई कढ़ाई करने से तो इतना नहीं आएगा जिससे घर का खर्चा पूरा हो सके। ये बात तो फरीद को खुद सोचनी चाहिए ना, कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, जितनी मेहनत कर रही हूँ, उसी के लिए तो कर रही हूँ। पता नहीं ये लड़के को क्या हो गया, बीमारी ने इसे चिड़चिड़ा कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मामा को कैसे समझाऊं। मैं अम्मी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो एक बार दिल में जो ठान लेती है वो करके रहती है। तुम्हारी जिंदगी और फ्यूचर का सवाल है सर, कोई टारगेट नहीं है जो अचीव करना। हर सांस के लिए उसकी बहू एक टारगेट ही तो होती है, और मैं तो फिर एक फॉल्टी बहू। दुनिया में हर इंसान फॉल्टी है, कोई भी मुकम्मल नहीं। आप कोई मानना ना चाहे तो बात अलग, लेकिन मैं तो इस पोजीशन में ही नहीं हूं कि उनसे ऐसी बातें कर सकूं। हम लोग अपना फैसला बदलना पड़ेगा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। चलो बेटा अंदर चलो, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरीद कैसा है भाभी? फरीद तो जब तक ऑपरेशन नहीं हो जाता कुछ कह नहीं सकते। हाँ ये तो है, चले आइए उनसे मिल लेते हैं। हाँ फरीद अंदर ही है, आइए। बेटा बिठाओ, मैं चाय ला। जी देखो कौन है। अस्सलाम वालेकुम। कैसा है मेरा शेर? ऐसे शेर का क्या फायदा यार, जो अपना शिकार भी खुद नहीं कर सकता, दूसरों के दिए पे गुजारा कर रहा हूँ। क्या हर वक्त मायूसी की बातें करता रहता है यार, देखना एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब तुम अपने पांव पर चल फिर सकोगे, याद रखना। हेरा, फरीद भाई ने अभी इस सदमे को कबूल नहीं किया, लेकिन तुम अपना हौसला मत छोड़ना। दुआ कीजिएगा भाभी कि मेरी हिम्मत कभी ना टूटे। फरीद भाई की बीमारी और इस घर को एक साथ देख रही हो, ये क्या हौसला कम है तुम्हारा? फरीद,
आज बेजाद भाई एक बात कहकर गए हैं। क्या कहकर गया? मुझसे क्यों नहीं कहा उसने? हो सकता है तुमसे कहने के लिए उनकी हिम्मत नहीं हो रही हो। ऐसा क्या हो गया जो मुझसे कहते हुए डर रहा है? फरीद वो ये कह रहे थे कि अगर तुम बुरा ना मानो और एतराज ना हो तो तुम्हारे इलाज के लिए किसी ट्रस्ट से बात करें। क्या क्या कहा तुमने? मतलब अब ऐसा वक्त आ गया है कि मेरा इलाज ज़कात और खैरात के पैसे से होगा? हाँ फरीद, ऐसा क्यों सोच रहे हो? इस तरह के ट्रस्ट हम जैसे लोगों के लिए बने हैं जो इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हीरा, मैं मर जाऊंगा, मैं ज़कात और खैरात के पैसे से इलाज नहीं कर रहा हूँ। वो ये बात अच्छी तरीके से जानते थे, इसलिए उन्होंने तुमसे नहीं पूछा, मुझे कहा कि मैं पूछूं। तो जब उसे पता था तो उसने ऐसा कहा क्यों? फरीद, वो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारी फिक्र हो रही होगी उसे, इसलिए बोल दिया। ठीक है, अगर तुम्हें एतराज है, बुरा लग रहा है, तो वो नहीं बात करेंगे। नहीं, भीख मांग लो तुम लोग मेरे इलाज के लिए। चाहत हुई थी। बेगम साहबा, आप परेशान क्यों होती हैं? अल्लाह सब बेहतर करेगा। अरे परेशान कैसे न हो नूरी, अल्लाह भी उसी की मदद करता है जो बेहतरी की सोचता है। अब मैंने भी सोच लिया है कि मैं भी कोशिश करती रहूंगी, वरना तो मेरे खानदान का कोई नाम लेवा ही नहीं रहेगा। वैसे अब कोशिश तो कर ही रही है ना? उस वक्त तक करती रहूंगी जब तक कामयाब नहीं हो जाती। वैसे बेगम साहबा, अगर आपको अपनी पसंद की लड़की ना मिली तो? अरे तेरे मुंह में खाक कमबख्त है, क्या बकवास कर रही है? अरे क्या कमी है मेरे बेटे में? जवान है, खूबसूरत है, अमीर है, बकवास करती रहती है। सही से दबा। क्या सोच रहे हो? अलीसे के बारे में सोच रहा था, कहाँ होगी, कैसी होगी। मैं भी हर वक्त उठते बैठते सोते जाते सिर्फ अपनी अलीसे के बारे में सोचती हूँ। उसका चेहरा, उसकी बातें, उसकी शराब मेरी नजरों के सामने आते हैं। तुम जानते हो, जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ ना, तो चारों तरफ मेरी आंखें सिर्फ अलीसे को ढूंढती हैं। इस तरह आप सड़कों पर ढूंढने से हमारी अलीसे मिल जाएगी क्या? भी क्या सकते, हाँ कोशिश करके तो देख लो। पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी, इश्तिहार दे दिया, दुआएं कर ली, दुआ करो ना, हमारी दुआओं का हमें जल्दी से सलाह मिल जाए और अली से मिल जाए। सर जी, मैं सर, आपने जो प्रेजेंटेशन बनाई है वो मैं देखना चाहूंगा, आप मेरे ऑफिस में आएंगे? ओके सर।
सर। ये क्या है? सही। नाइस, आपने प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी बनाई। थैंक यू सर। ठीक है, इसको मुझे ईमेल कर दीजिएगा सो आई कैन फॉरवर्ड इट टू माय। थैंक यू सर। थैंक यू। गलती मेरी है, मुझे रोड देखकर क्रॉस करना चाहिए था। एक्चुअली मैं बहुत जल्दी में हूँ। नहीं, आई एम रियली वेरी सॉरी। आपको कहाँ जाना है, मैं आपको छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। फॉर माय सेक प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं आपको छोड़ूंगी। प्लीज चले ना। मैंने कहा ना आपसे, बस स्टॉप करीब में ही है, मैं चली जाऊंगी। मैंने कहा ना, प्लीज आप आइए। थैंक यू। ऑफिस 5 बजे खत्म होता है, अब तक कहाँ थी तुम? बताओ मुझे, बोलो। फरीद, तुम मुझे बोलने दोगे तो मैं बताऊंगी ना। तुम जानती हो कि कभी कभी ऑफिस में देर हो जाती है। आज ऑफिस में बॉस बैठे हुए थे, अर्जेंट फाइल भिजवानी थी। हाँ, मुझे सब पता है, कौन सी फाइल है, कौन से ऑफिस और कौन से काम होते हैं, सब पता है मुझे अच्छी तरह। तुम्हारा शादी का क्या इरादा है? मेरी शादी? फिलहाल तो कोई प्लान नहीं, लेकिन आपने क्यों पूछा? मैं इसलिए पूछ रही हूँ बेटा, कि इस जमाने में ना लड़कियों की शादी जल्दी हो जानी चाहिए। यूं अकेले